देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रुड़की के जबरेडा में मानवाधिकार वेलफेयर संगठन का आयोजन किया गया, जिसमें जबरेडा के कुछ मुख्य व्यक्तियों ने मानवाधिकार वेलफेयर में हिस्सा लिया और पद ग्रहण किए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रभारी रवि भारद्वाज ने बताया कि 9 व्यक्तियों को मानवाधिकार वेलफेयर संगठन में शामिल किया गया है और उनको सम्मानित पदों से नवाजा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि आम जनता की अगर कोई पुलिस प्रशासन आवाज नहीं सुनता तो हम उनकी मदद करते हैं। यही नहीं, महिला और लड़कियों के लिए विशेषकर हमारी टीम 24 घंटे तत्पर रहती है। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट। सबको प्रमाण पत्र और उनका आईडी कार्ड दिया गया और उनका उद्देश्य बताया गया कि मानव अधिकार के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। मतलब उससे बहुत लाभ मिलेगा, किसी का भी कोई खनन हो रहा हो, कोई शोषण हो रहा हो, गरीब आदमी को देखना कि उसको दवाइयाँ टाइम पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। बहुत जल्दी हम लोग आई कैंप, हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप बहुत जल्दी लगाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्याओं के लिए हम लोग बहुत मुहिम चला रहे हैं कि उनको किताबें, उनकी फीस की व्यवस्था वगैरह करी जाए। तो हमारा संगठन मिलके वो ये देखेगा कि कौन कौन बच्चे किन किन को जरूरत है, किस चीज की, लड़कियों को। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।